भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना नगर सेविका बिन्या विष्णु सावंत के कार्यालय के बाहर पानी के कनेक्शन काटे जाने की वजह से धरना प्रदर्शन किया, जहां शिवसेना के खिलाफ जोरों शोरों से नारेबाजी भी की गई। भाजपा पदाधिकारियों के अनुसार मनपा द्वारा दिए गए पानी के कनेक्शन को शिवसेना की महिला पदाधिकारी के चलते मनपा द्वारा काट दिया गया, जिसकी वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवसेना शाखा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं शिवसेना पार्टी के शाखा प्रमुख रमेश कलंबे ने भाजपा के विरोध का खंडन किया है और शिवसेना पार्टी के 80% समाज सेवा और 20% राजनीति करने वाली पार्टी बताई है। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे के विचारों पर चलने वाली शिवसेना पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। यदि बीएमसी ने पानी काटा है तो वह प्रशासनिक अधिकारियों ने क्यों काटा है, ये उनकी जानकारी में नहीं है। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता सुनील कनुजिया और संवाददाता राजेश यादव की इस खास रिपोर्ट पर। आप सभी लोग जो आंदोलन देख रहे हैं, स्वतंत्र विकास मंडल में लीगल कलेक्शन पानी का आया हुआ था, जो कि शिवसेना ने एक तरफा सुनते हुए और कनेक्शन कट करवा दिया बीएमसी के लोगों का। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर समय शिवसेना बाहर के और एरिया के लोगों का समस्या कोई भी सुनती नहीं है। यहाँ के नगर सेवक जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, नगर सेविका के हस्बैंड, वो मालूम है कोई भी मसले में टांग अड़ाते हैं और सभी समस्याओं को एक तरफा सुन के मालूम है अपने जबरदस्ती सामने वाले से लिखा के लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा और ये सभी लोग आंदोलन सही तरीके से कर रहे हैं। हमको हमारे पैसे का पानी दो, हमारे पैसे का पानी लिया हुआ है। उसके सारे मेंबर्स यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कल से पानी के लिए मर रहे हैं। शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं विष्णु सावंत जी, उनको सब कुछ पता है, बिना किसी कारण के कनेक्शन काट दिया गया। और वहाँ बीएमसी के लोग जोड़ने आए तो शिवसेना की एक महिला नेता हैं, वो 5-7 महिलाओं को लेके वहाँ मनमानी कर रही हैं, बीएमसी को जोड़ने नहीं दे रहे हैं पानी। और हम घर में बिना पानी के मर रहे हैं 2 दिनों से। तो हम सब ने मिलकर निर्णय लिया, वैसे भी पिछले 3 साल से पूरा क्रांति नगर, गोकुल नगर एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। अपने घर में बिना पानी के मरने से अच्छा हम नगर सेविका के कार्यालय के सामने, शिवसेना शाखा के सामने अपनी जान दे देंगे। लेकिन जब तक हमारे घरों में पानी नहीं आएगा और जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा कि क्रांति नगर, गोकुल नगर में 2017 के पहले जैसे पानी की सप्लाई होती थी वैसी सप्लाई का आश्वासन नहीं मिलेगा, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। प्राण त्याग दूंगा, मैं क्रांति नगर, गोकुल नगर का बेटा हूँ। बाहर के नेता आके यहाँ जो मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी मैं चलने नहीं दूंगा। अगर क्रांति नगर, गोकुल नगर के मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरी माताओं को मेरी जान जाने से भी पानी मिलता है तो मैं अपनी जान देके भी वो पानी लूंगा। भारत माता। जब से उत्तम शुक्ला जी वार्ड 39, प्रीवियस वार्ड 39, प्रेजेंटली जो है वार्ड 40 वार्ड अध्यक्ष हुए हैं, पानी की समस्या के बारे में हमेशा ये संघर्ष करते रहे हैं। और उसी संघर्ष को देखते हुए और शिवसेना नगर सेवक और ये शिवसेना के लोगों की मिली भगत से यहाँ महिलाओं को आगे करके और ज़बरदस्ती दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके इनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाया जा रहा है। इनका लीगल कनेक्शन है, इन्होंने बीएमसी से कनेक्शन लिया हुआ है, लीगल कनेक्शन है, उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करवा करके ज़बरदस्ती बीएमसी वाले आ रहे हैं, इनको कनेक्शन नहीं लेने दे रहे हैं। आज क्रांति नगर, गोकुल नगर आज से 5-7 साल पहले जिस तरह से पानी यूज़ कर रहा था, 24 घंटा पानी रहा, कभी पानी की तकलीफ नहीं है। जब से ये नगर सेवक बने हैं आदमी पानी देखने को तरस गया। आज आप भी यहीं रहते हो, आप सभी ने देखा होगा इस रोड पे हमेशा पानी दिखता था, आज तो ऐसा लग रहा है अकाल पड़ गया, पानी कहीं नज़र ही नहीं आता है। वो पानी इन्होंने किस बिल्डर को बेचा,
उसका जवाब हमें चाहिए कि यहाँ का पानी कहाँ भेजा गया। और आज छोटी छोटी चीज़ों पे कहीं कनेक्शन काट देना, कुछ करना, ये बहुत बड़ा शिवसेना का अत्याचार हो रहा है। वसूली चालू कर दिए हैं, हर गली गली में जाके किसी का घर बन रहा है वसूली चालू कर दिए हैं, महला बन रहा है वसूली कर रहे हैं। ये सब जो अत्याचार हो रहा है ये जनता देख रही, इनको 2022 के चुनाव में इसका जवाब देगी। आज का दिन बहुत दुखदायी दिन है। आज यहाँ की जनता पूरा तरस हो के आज रोड पर उतरी हुई है और हमारी एक ही मांग है कि जैसे हमारा पुराना दिन था वो हमारा पुराना दिन वापस किया जाए। इतना ही मैं कहता हूँ, मेरे माताएं बहने रात रात भर जाग के पानी भर रही है। ये पानी का जो बेचने का काम ये सरकार ने किया, ये बंद होना चाहिए। यहाँ पे शिवसेना शाखा कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी धरना दिया, उस बारे में क्या कुछ कहेंगे? कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं शिवसेना पार्टी के ऊपर कि उनकी वजह से कुछ कार्यकर्ताओं का नल का कनेक्शन काटा गया। ऐसा तो नहीं है, शिवसेना एक काम पहले से करती नहीं। शिवसेना का इसमें 80% समाजकारण, 20% राजकारण, ये शिवसेना ने बालासाहेब ने जो दिया हुआ वो बाल कड़ू है। ये शिवसेना हमेशा शिवसेना का 5 साल कोई इलेक्शन आए तो कभी ऑफिस नहीं खुलता है, हमेशा शिवसेना शाखा खुली रहती है लोगों की सेवा करने के लिए। लेकिन कुछ गलत फहमी हो सकती है या तो कुछ ये हो सकता है, लेकिन शिवसेना ने ऐसा कोई काम कदम कभी उठाएंगे नहीं यार। पानी और लोगों का जो रोज़ का मिलने वाला पानी, उसके ऊपर तो शिवसेना का कार्यकर्ता कैसा ऐसा ये काम कभी नहीं कर सकते। और जो भी है वो पानी कनेक्शन काटना, ये न होना, ये सब BMC के हाथ में आता है, तो प्रशासकीय काम का आते हैं। हाँ, कार्यकर्ता और इससे पहले क्या बातचीत की थी नगर सेविका या शिवसेना पार्टी किसी कार्यकर्ता से? भाजपा कार्यकर्ता है शिवसेना का शाखे में या तो पार्टी में, मेरे हिसाब से तो मेरे पास या तो मैं इधर यहाँ पे शाखा प्रमुख है, मेरे पास तक ये बात आई नहीं थी। जब मैं शाखे में अंदर बैठा तो बाहर ये नारा दे रहे थे, लेकिन इनको पूछा तो ये सब हमें अभी तक ये मैटर क्या हुआ वो पता नहीं था, इसलिए हम इसको जवाब देना उचित नहीं समझे। और ये प्रोसेस के काम है, BMC का पानी का लाइन काटना, ये होना, ये BMC अधिकारी लोग काटते हैं। किस वजह से कटा है, क्या नहीं काटा है, वो अधिकारी से वो जवाब मांगना चाहिए। हुआ है काम, गलत हुआ है, सही हुआ है, वो BMC तय कर सकती है।